करें रेडी एवरीबॉडी। थैंक यू। नमस्कार साथियों, हमने कल एक खुलासा किया था, वी हैड डन एन एक्सपोजे यस्टरडे, और हमने तीन लोगों से सवाल पूछे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे थे, सेबी की चेयरपर्सन से सवाल पूछे थे और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे। इनमें से कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मोहरे का जवाब आया, आईसीआईसीआई का जवाब आया। उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उस जवाब से और सवाल खड़े हो जाते हैं। उस जवाब ने हमारा काफी काम आसान कर दिया। इस पूरे घोटाले का एक परत और खुली इस जवाब से। दे हैव हेल्प्ड अस इन अनलेयरिंग दिस एक्सपोजे इवन फर्दर। तो आईसीआईसीआई कहता है कि माधवी बुच जी को, जो उनका कार्यकाल था आईसीआईसीआई में, उसका रिटायरल बेनिफिट मिला, तनख्वाह नहीं थी, ये सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनको पैसा देना था वो था। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो टेबल खोलें, क्योंकि वो टेबल बहुत कुछ बताता है। इसको थोड़ा, आपको दिख रहा है ये टेबल अच्छी तरह? नहीं, यहां से पीछे दिख ही रहा। तो आप देखेंगे कि माधवी बुच जी आईसीआई से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली। उसके आगे लिखा हुआ है अलाउंस ग्रेच्युटी फंड। 2014-15 में 5,36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई, चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया। ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी व्हेन शी वाज इन द आईसीआईसीआई बिटवीन 2007-08 एंड 2013-14, द एवरेज कम्स आउट टू बी 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई, कुछ लोगों को मिलती है। उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17
को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथा कथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में वो होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथा कथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई, और पेंशन कितनी, 2,77,00,000 औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी, मैं फिर से दोहराता हूं, 1,30,00,000 सालाना औसत तनख्वाह 2007-08 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा हो। अब उन्होंने दूसरा मुद्दा आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन है। आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। ये आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां से भी होता है, यूएस में एसईसी होता है, अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पे डाली नहीं। ये एक और सवाल है, आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली? चलिए, नहीं डाली होगी, कोई कारण होंगे। अब आइए आप जो अमेरिका में एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है, वो कहती है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज देयर ईसॉप्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स फॉलोइंग देयर वॉलंटरी टर्मिनेशन। अगर मैं आईसीआईसीआई से खुद इस्तीफा देता हूं या देती हूं तो उस इस्तीफे की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं अपने ईसॉप्स को वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं भुना सकता हूं, मैं ले सकता हूं। ये उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज में लिंक है, खोल दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 साल बाद माधवी बुच जी इस्तीफा देने के 8 साल बाद ईसॉप भुना रही हैं। ये कौन सी पॉलिसी के तहत भुना रही है, नई पॉलिसी कहां है, कौन सी वेबसाइट पे है, आईसीआईसीआई हमें बताए। वी डिमांड टू नो फ्रॉम आईसीआईसीआई, वी कैन ओनली गो बाय द वेबसाइट ऑफ एसईसी वेयर यू हैव अपलोडेड योर पॉलिसी विच सेज दैट विद इन 3 मंथ्स ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन यू कैन एक्सरसाइज योर ईसॉप्स। दिस लेडी इन क्वेश्चन, मिस माधवी पी बुच, इज एक्सरसाइजिंग हर ईसॉप्स 8 years आफ्टर शी वॉलंटरिली टर्मिनेटेड हर सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई, एंड स्ट्रेंजली द बेनिफिट दैट अक्रूड टू हर कोइंसाइडेड विथ हर टेन्योर इन सेबी। अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप, और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है, हम ये जानना चाहते हैं, या ये एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है अगर मैं आईसीआईपी में होता या आप आईसीआईसीआई में होते। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं, कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉयज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉयज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए, ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा, उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा,
कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, यह हम जानना चाहते हैं। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नीति, यह पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनके ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? डू यू डू दिस, डू यू एक्सटेंड दिस कर्टसी टू एवरी एम्प्लॉई ऑफ आईसीआईसीआई दैट यू पे द टीडीएस ऑन देयर बिहाफ? एंड ये जो टीडीएस आपने दिया, जो 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 अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है। हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है, और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की, बताए, वी डिमांड टू नो। नहीं तो माधवी जी जवाब दें, हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपके सवाल, ये टेबल वापस लगा दीजिए ताकि ये देखते रहें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके कोशिश की है समझने की भी और समझाने की। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, क्या आप लोग कोई कानूनी सहारा भी लेंगे इस मसले को लेकर? आपको जो अभी जवाब आ रहे हैं ना, ये किसी को बचाने के लिए आ रहे हैं। जिनको बचाने के लिए जवाब आ रहे हैं वहां से आप किसी जवाब की उम्मीद मत करिएगा, उन्होंने अभी अपने मोहरे आगे रखे, अभी मोहरे जवाब दे रहे हैं, लेकिन शतरंज के खेल में खिलाड़ी को बचाने मोहरे नहीं आते, ये पहली बार हो रहा है, यहां भी नहीं बचा पाएंगे। रही बात कानूनी सहारे की, इंतजार कीजिए, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना है। जी कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ और भी आरोप लगाए गए सभी चेयरपर्सन पर, और कई प्रूफ भी दिए गए कई लोगों के द्वारा कि भाई वो करप्ट हैं सभी चेयरपर्सन, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत भी है उनके पास। ये जो आरोप हमारे अलावा जो लगे हैं भाजपा के एक पूर्व सांसद ने लगाए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। भाजपा के एक पूर्व सांसद भी आरोप लगा रहे हैं कि माधवी बुच जी और सेबी में किस तरह का भ्रष्टाचार है, सबूतों के साथ वो बात कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार को नहीं जवाब देना या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना, तो लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सर, क्या इसमें उन्होंने पूछा कानूनी कोई प्रक्रिया, या फिर क्या पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे, कोई जेपीसी या कोई संसदीय किसी तरह जांच की मांग भी इस मसले पर आप लोग करेंगे? अश्विनी जी, हम लोग लगातार इस पूरे सेबी के मामले पर, हिंडनबर्ग के मामले पर जेपीसी की मांग लगातार करते आए हैं। अब ये नए खुलासे हैं, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हटकर और खुलासे आए हैं, लगातार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। हमने पहले सोचा था कि हर 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा मजेदार आया कि हमको लगा दूसरे ही दिन करनी चाहिए, वापस आज ही हम आ गए। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, खुलासे करते रहेंगे, उसके बाद पार्टी और गठबंधन हमारा क्या निर्णय लेता है वो भी आपसे हम साझा करेंगे। आप जिस चीज को सैलरी कह रहे हैं उसको आईसीआईसीआई बैंक
बेनिफिट्स बोल रहा है, तो आपके ग्राउंड्स क्या हैं ये कहने के कि दिस इज अ सैलरी? आई टोल्ड यू हाउ कैन द सो कॉल्ड रिटायर